नाइफ। अब भैया इधर देखो ना, तुम उधर का देख रहे हो, इधर काम करवा रहे हो तुम उधर देख रहे हो। अच्छा ये एप्पल खाने वाला है? यस सर। चलो अब यहाँ पर मैं इसमें एक एप्पल में क्या ऐसे चाकू आर पार करने वाला हूँ, हो गया। अब आपको इसको हाथ नहीं लगाना है, सेब को किसी भी तरीके से टच नहीं करना और सेब को ऊपर लेकर जाना है। कैसे करेंगे, कौन बताएगा? नहीं नहीं पहले बताओ कैसे करोगे। चलो आशु आ जाओ, आशु आओ। तुम्हें इस सेब को ऊपर लेकर आना है, यहाँ पर जैसे पहले था, बिना सेब को नीचे गिरा है, बिना सेब को टच किए। अरे अरे टच नहीं करना है ना, हाँ टच नहीं कर, सेब को किसी से टच नहीं करना है। करो नीचे लेकर आओ, हाँ चलो वसुंधरा को आ जाना, बिना एप्पल को छुए टच किए। तो मैं क्या करूँगा, एप्पल को ऐसे पकड़ाओ और धीरे धीरे अगर ऐसे टैप करूँगा तो ये अपने आप ऊपर चला जाएगा। अगर मैं ऐसे ऊपर धीरे धीरे टैप करूँगा तो बताओ ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? किस किस को लगता है ऐसे टैप करने से भी ऊपर आ जाएगा? ठीक है तो एक काम करो तुम करो, इसको ये लो पकड़ो ऐसे और अपने हाथ पर ऐसे ऐसे टैप मारना है, ठीक है? हाँ ऐसे टैप करो धीरे 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 धीरे, हाँ थोड़ा सा तेज और 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 तेज। आ गया अपने आप आया ना। तो असल में कैसे हो रहा है, अभी अपन लोगों ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा। देखो जो सेब है ना वो रेस्ट में, फोर्स हम किस पे लगा रहे हैं, नाइफ पर है, लेकिन एप्पल रेस्ट में रहना चाहता है, समझ में आ रहा है? और जैसे ही मैं इसको ऐसे बार बार नीचे पुश कर रहा हूँ ना तो एप्पल रेस्ट में रहना चाहता है और नाइफ नीचे आ रहा है, ठीक है? तो जो रिलेटिव पोजीशन है नाइफ की और एप्पल की वो चेंज हो रही है, लेकिन अगर मैं धीरे धीरे करूँगा तो ऐसे कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा फास्ट अगर मैं करता हूँ तो आप देखो अपने आप एप्पल क्या है ऊपर चले जाता है, समझ में आया? तो किसकी वजह से हो रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है? अब हम दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, ये एप्पल जो है कौन कौन खाएगा इसको, बंद कर।